आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में सेना के जेसीओ स्वतंत्र सिंह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें उधमपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन घायल स्वतंत्र सिंह को बचाया नहीं जा सका। वो उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले थे। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, इस वक्त ताजा स्थिति वहां पर क्या है? आज के कल पूरा दिन पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के शाहपुर कस्बा और किरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोर्टार शेलिंग और हैवी फायरिंग की गई थी, लेकिन अभी रात को 12 बजे के बाद से फायरिंग बंद है। लेकिन सेना ने सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया हुआ है, क्योंकि लगातार सीज फायर का वायलेशन घुसपैठ के लिए होता है। कल की गई फायरिंग में भारतीय सेना का एक सूबेदार स्वतंत्र सिंह, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो कल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें सेना हॉस्पिटल उधमपुर में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने शहादत पाली। तो लगातार सीज फायर का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। कल पूरा दिन पुंछ कस्बा और शाहपुर सेक्टर में हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय रिहायशी इलाकों में और भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट करके की गई थी। कोलकाता में एक फ्लाईओवर को शुरू करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा 2018 में अचानक टूटकर गिर गया था, जिसके बाद से ये अब तक खोला नहीं जा सका, और इसके विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस से बचने की कोशिश में कुछ कार्यकर्ता सड़क पर गिर गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जमकर पीट दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी सख्ती बरतते हुए आसपास मौजूद लोगों को भगाने की कोशिश तेज कर दी। पुलिस उन्हें दौड़ा करके लाठी चार्ज कर रही है और कई जगहों पर यही तस्वीर सामने आई है। काफी देर की कोशिश के बाद भी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर एक गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की हुई। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और वहां खड़ी एक बस में बैठा कर ले गए। बीजेपी के हंगामे के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सामने आई।